जल है तभी जीवन है, जल ही नहीं होगा न जिंदा रहेंगे न जमीन में कुछ होगा तो मनुष्य कैसे बचेगा। जल है तब जीवन है। ये उस महिला की कहानी है जिसका जोश जल की तरह बहता है। ये है बसंती देवी, उत्तराखंड की कोसी नदी की रक्षक। इनके लिए आजादी का मतलब है जल और जगत की रक्षा करना। जल जंगल जमीन का मैंने 17-18 साल से शुरू किया। जो कोसी नदी थी उसमें पानी नहीं था और जंगल सब कट गया था, तो एक दिन महिलाएं मुझे मिली रास्ते में और तो वो जंगली काटने के लिए जा रही थी। तो मैंने फिर उनसे कहा क्यों काटते हो इतना। उन्होंने कहा दीदी एक हम ही नहीं लाते हैं, गांव वाले लाते हैं। तो मैंने कहा तुम मेरा साथ दोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तो जाएंगे उनका संगठन बनाएंगे। फिर उनका संगठन बनाया, दूसरे दिन से फिर जंगल बचाने का काम किया। जब मेरे पूरे लोग मेरे साथ रहेंगे तब हमने वृक्षारोपण किया, जंगल बचाने का काम किया मेरे साथ। फिर तो कोसी माँ को हाथ में ऐसे पानी लेकर फिर बाद में 15 दिन की पदयात्रा भी की। तब उन्होंने कहा माँ आज तक आपने हमको जिंदा रखा, अब हम आपको जिंदा रखेंगे। अब स्रोतों में भी पानी है, धारों में भी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कोसी नदी में जब पानी जाता है सीधे। मुझे जब मैं बालवाड़ी में काम करती थी मुझे महीने का 50 रुपया मिलता था, 50 रुपये में खाना रहना जो भी करना था वो करते थे। पर आज इतना बड़ा सम्मान मिला, जब लोगों ने मुझको कहा कि तुमको पद्मश्री पुरस्कार मिल रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोग इतने लोगों ने मुझे कहाँ कहाँ से बुलाया, ये सबसे बड़ी बात है। जल की तरह मैं भी बहती रहूँगी और जल की सेवा करूँगी। बसंती देवी की कहानी भारत के इतिहास के पन्नों से अगली पीढ़ी के कानों तक एक नदी की तरह बहती रहेगी। भारत की प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियां लेकर हम जल्द ही लौट आएंगे। आजादी की अमृत कहानियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत।